नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजीजेस, बीमारियां। अ डिजीज इज द कंडीशन व्हेन वन और मोर बॉडी पार्ट्स आर नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। बीमारी उस स्थिति को कहते हैं जब शरीर का एक पार्ट या एक से ज्यादा पार्ट सही से काम नहीं कर पाता है। तो बोलते हैं बीमार है, जैसे किसी को फीवर आ जाता है तो उसका शरीर का तापमान हाई हो जाता है, उसके साथ साथ उसको वीकनेस होने लगता है। तो क्या बोलते हैं किसे फीवर आ गया है? तो बीमारी के कई तरह के सिम्टम्स भी होते हैं, वो बताऊंगी मैं अभी आपको। टाइप्स ऑफ डिजीजेस, बीमारियों के प्रकार। फर्स्ट इज कॉम्युनिकेबल डिजीजेस एंड सेकेंड इज नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीजेस। कॉम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैले उसको बोलते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीजेस। और नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीजेस किसको बोलते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ना फैले उसको हम बोलते हैं नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीजेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीजेस, डिजीजेस दैट डोंट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ना फैले, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीजेस। इट काउज मी ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ये विटामिन और मिनरल्स की कमी से हो सकता है, इसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज भी कहते हैं। ओके, ये कुछ नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज है जिसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज भी कहते हैं। ये किस कमी से होता है और इसके न्यूट्रिएंट्स का सोर्स क्या है? द फर्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस एंड स्केली स्किन, रतौंधी और स्किन का फटना। तो विटामिन ए की कमी से, इसके लिए लीफी ग्रीन और येलो वेजिटेबल्स लेना चाहिए, लीवर लेना चाहिए, यॉर्क लेना चाहिए। और सेकेंड इज स्कर्वी एंड पुअर बोन हीलिंग, विटामिन सी की कमी से, इसके लिए साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, टमाटो, ब्रोकली लेना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, जो कि विटामिन की कमी से होता है। इसके लिए डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स लेना चाहिए। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, सीरियल्स लेना चाहिए। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, जिसके लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, जिसके लिए आयोडाइड सॉल्ट लेना चाहिए। ओके, वीकनेस बोन डैमेज, बाद हमारा है वीकनेस बोन डैमेज फॉस्फोरस की कमी से, इसके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स, रेड मीट, ग्रेन्स ये सब लेने चाहिए। मसल वीकनेस पोटेशियम की कमी से, इसके लिए मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स लेना चाहिए। एनीमिया आयरन की कमी से, उसके लिए स्पेनिश, डेट्स, बनानास, जैगरी, मीट स्ट्रक्चर लेना चाहिए। कॉर्सिकर प्रोटीन की कमी से, उसके लिए मिल्क, केक्स, पल्सेस, फिश लेना चाहिए। उसके साथ फिर मरास्मस है, जो कि ये भी प्रोटीन की कमी से होता है, जिसके लिए हमें वही मिल्क, केक्स, पल्सेस, फिश, बीन्स, नट, मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहिए। और लास्ट हमारा इसमें लिखा हुआ हेमोफीलिया, जो कि विटामिन के की कमी से होता है। तो इसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, लीवर, मीट एक्सेट्रा लेना चाहिए। तो ये कुछ लिस्ट थी जिसमें कि डिफिशियंसी डिजीज दिए गए थे उनके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉम्युनिकेबल डिजीजेस, कॉम्युनिकेबल डिजीजेस, डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है वो क्या कहलाता है? कॉम्युनिकेबल डिजीजेस। ये दिस डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अदर्स, माइक्रोब्स, जर्म्स, मतलब ये कैसे फैल सकता है ये बीमारी? हवा के थ्रू, पानी, छोटे मोटे माइक्रोब्स और जर्म्स जो होते हैं वो भी बीमार कर सकते हैं हमें, या फिर टच करने से, फिजिकल कॉन्टेक्ट से भी ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? मलेरिया, सर्दी खांसी, निमोनिया, ये सब इसका एग्जांपल है कॉम्युनिकेबल डिजीज का। भी मैं और भी आपको दिखाऊंगी कॉम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल, और वो उसका सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट ये भी दिखाऊंगी मैं अभी आपको। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है कि पहले नहीं, ये बीमारी साफ सफाई बहुत ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि जर्म्स जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ये सब दिखते नहीं है, बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन हमें बीमार करने में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये हमारे शरीर में किसी भी तरीके से आ सकते हैं, अगर कोई भी अनकवर्ड फूड हम लोग खा रहे हैं, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू भी आ सकते हैं। और अगर हमारा स्किन कट गया है तो उसके थ्रू भी जर्म्स घुस सकता है। उसके बाद इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे आता है कि इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोचेस, जो मक्खियां होते हैं, फ्लाइज होते हैं, वो भी
जर्म्स के ढेर में ही रहता है, आप देखते होंगे नाले वगैरह में ही रहता है वो, तो वो जर्म्स के ढेर में रहता है और वो अगर आके हमारे ऊपर बैठ गया तो किसी भी हेल्दी पर्सन को भी बीमार कर सकता है वो। तो इंसेक्ट्स के थ्रू जो हमें डिजीज हो सकते हैं वो डायरिया, टाइफाइड, कॉलरा, ठीक है। इसके लिए हमें हमेशा हैंड वॉश करके खाना चाहिए, जो कि आपको पहले भी कहा जाता है, हमेशा से कहा जाता है कि हैंड वॉश करके खाइए, और हैंड को धोने के लिए भी हैंड वॉश का यूज कीजिए या सोप का यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा कि मच्छरों के थ्रू भी, मच्छर जो होते हैं वो भी ब्लड सक करके हमें बीमार कर सकते हैं, हमारा खून चूस लेंगे तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें इन कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए सबसे मेन थिंग क्या है कि हमें सफाई रखना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा ये लिखा हुआ है माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स किसको कहते हैं, तो वेरी टाइनी जर्म्स दैट कैन मेक अस फॉल सिक, छोटे छोटे जर्म्स जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखेंगे, वैसे हमें नॉर्मल नहीं दिख सकता है वो, हमें लेकिन बीमार कर देते हैं। माइक्रोब्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वैक्सीनेशन, अ मेडिकल प्रोसेस दैट बिल्ड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीजेस। जिस मेडिकल प्रोसेस के द्वारा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, डिजीज को लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन, टीकाकरण। आप लोगों को बचपन में इंजेक्शन लगे होंगे बहुत सारे, वो सारे वैक्सीनेशन ही का प्रोसेस होता है, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, जैसे चिकन पॉक्स, मीजल्स और भी पोलियो का भी आपको टीका लगता है, ये सारे वैक्सीनेशन आपको बचपन में लगते हैं कि आगे कोई बीमारी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पैस्चराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अप मिल्क टू अ हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम फॉर किलिंग जर्म्स एंड कूलिंग इट डाउन क्विकली इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन प्रोसेस किसको कहते हैं, जिस मेथड के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा दूध को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है थोड़े समय के लिए, उसके जर्म्स को मारने के लिए, और उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पैस्चराइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के नाम जानेंगे और इसके साथ उनके सिम्टम्स जानेंगे और ट्रीटमेंट भी जानेंगे प्रिवेंटिव में सर। तो जॉन्डिस, जिसमें कि सिम्टम्स है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाती है, येलो हो जाता है शरीर का कलर, येलो इंसुलिन टू द एक्सेस बाइल पिगमेंट इन द ब्लड, येलो यूरिनेशन, पेशाब आपका येलो होता है, उसके साथ फीवर लगता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, ट्रीटमेंट क्या क्या है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेना चाहिए, प्योरीफाइड वाटर पीना चाहिए, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पीपल, जो जिनको हो गया उनके कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, और पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ शुगर केन जूस, पेशेंट को भरपूर मात्रा में शुगर केन जूस पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें कि सिम्टम्स है परसिस्टेंट फीवर रहता है लगातार, कफ होता है, स्पुटिंग ब्लड, ब्लड कफ के साथ ब्लड भी निकलता है, फैटिक मतलब कि थकावट रहती है, वेट लॉस रहता है, रात में पसीना आता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि बैलेंस ट्रीटमेंट लेना चाहिए और भरपूर रेस्ट करना चाहिए, अच्छा गुड वेंटिलेशन होना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ओके। और इसके साथ द पेशेंट शुड नॉट स्पिट हियर एंड देयर, पेशेंट को इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, ठीक है। लास्ट इज इन्फ्लुएंजा, जिसमें सिम्टम्स है फीवर रहता है, थकावट रहती है, कफ होता है, स्नीज होता है, नाक बहता है, गले में भारीपन होता है, मसल में पूरा दर्द होता है, ठीक है। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, गुड वेंटिलेशन, सफाई का पूरा हवादार होना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, इनफ गुड पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फॉर स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन पोषण तत्व अच्छे से लेना चाहिए कि इम्यूनिटी बूस्ट अप हो सके। और उसके साथ द पेशेंट शुड कवर हिज और माउथ व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग, जब पेशेंट स्नीज या फिर कफ कर रहा है तो उसको अपना माउथ को कवर रखना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ कम्युनिकेबल डिजीज थी जो कि आपके बुक में थे और ये आपको जानना भी चाहिए से बचने के लिए हमें, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज का पार्ट था पूरा टाइप। कम टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2। फर्स्ट, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर दीज डिजीजेस, जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस एंड इन्फ्लुएंजा। जॉन्डिस सिम्टम्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, येलो कलरेशन ड्यू टू एक्सेस बाइल पिगमेंट इन द ब्लड, येलो यूरिनेशन, फीवर।
प्रिवेंटिव मेजर्स, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, प्योरिफाइड वाटर, अवॉइड कंटैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल, द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ शुगर केन जूस, ट्यूबरक्लोसिस, परसिस्टेंट फीवर, कफ, स्पिटमेन विद ब्लड, पटी, वेट लॉस, नाइट स्वीट, ये सब सिम्टम्स हैं. एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स, बैलेंस न्यूट्रिएंट एंड एडिक्वेट रेस्ट, गुड वेंटिलेशन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, द पेशेंट शुड नॉट स्पिट हियर एंड देयर. Influenza symptoms: fever, fatigue, cough, sneeze, runny nose, sore throat, muscle ache. Preventive measure: good ventilation, enough rest, good personal hygiene, balanced nutrient for a stronger immunity. The patient should cover his or her mouth while sneezing or coughing. Okay. How rough is in water essential for the body? Answer: rough is helps in throwing out the waste from the body. Water helps our body to absorb nutrients. It helps to convert food into energy. It regulates our body temperature. Hope you all will write and remember it. Till then, take care. Thank you.